हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम नोमान है और आप देख रहे हैं स्टे विद नोमी। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने हेडर बनाना सीखा था और हीरो सेक्शन बनाया था, तो हम इसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो ये इस कोर्स का सेकंड पार्ट है। बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। आपने जस्ट डेस्कटॉप पे क्लिक करना है एंड देन आपने इसको यहाँ से इस तरह ड्रैग कर लेना है, इसका साइज़ इंक्रीज कर लेना है। देन हम चलते हैं न्यू सेक्शन में। तो हमने यहाँ से इसको टूल्स में जाके रेक्टेंगुलर टूल ले लेना है। तो हमने ये शेप ले लिए। यहाँ से हमने तीन रेक्टेंगुलर ले लिए। देन हम इसको यहाँ से रेडियस दे सकते हैं। हम इसको यहाँ रेडियस दे देते हैं। देन हम इसको कलर चेंज कर देते हैं इसका। यहाँ पर हम एक इमेज हम प्लेस करेंगे। इसको हम इस इमेज को यहाँ प्लेस करेंगे। इसी तरह हमने बाकी दो को भी इसी तरह प्लेस करना है। तो हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। देन हम यहाँ से इमेज को रिप्लेस करते हैं। आप डबल टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इमेज का लेआउट आएगा। यहाँ पे आप इमेज चूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो इतना इनफ है। एंड देन हम इसको भी चेंज कर देते हैं। इसको भी हम साइज इसका डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ ठीक लग रहा है। इसको मैं सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ इस तरह। और अब यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो कि मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ आप अपनी कोई भी कैटेगरी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड केयर की कैटेगरी रख रहा हूँ एंड यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं एंड देन इसको ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। इसको फ्रंट कर देते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट। इसको यहाँ पे करके इसका कलर चेंज कर देंगे हम वाइट। सो यहाँ हम पेट केयर के टाइटल दे देते हैं एंड देन इसी के नीचे हम इसको वापस डुप्लीकेट करते हैं। ऑल्ट को होल्ड करके आपने सेलेक्ट करके ड्रैग करना है तो आपके पास डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं व्यू ऑल। इसको कॉपी कर लेना है। इसको सेलेक्ट करके आपने इसका कलर चेंज कर देना है एंड ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है एंड देन इसका साइज हम छोटा कर देते हैं। तो यहाँ हम व्यू ऑल पे कैटेगरी का लिंक दे देंगे। तो इसी तरह सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ।
एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको। तो इस टेक्स्ट को हम फिर एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ भी ठीक लग रहा है, तो यहाँ भी ये काफी कूल लग रहा है। देन हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे। हमने यहाँ से इसका साइज, आर्टबोर्ड का साइज इंक्रीज कर लेना है एंड देन यहाँ पे हम उसका अबाउट सेक्शन बनाते हैं। अबाउट सेक्शन के लिए हमारे को टेक्स्ट चाहिए। कबाउटर्स का टेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे एंड देन हमें एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो कि मैं यही डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके। मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ी डिस्क्रिप्शन थोड़ी बड़ी दिखे एंड यहाँ पे मैं इसका साइज चेंज कर लेता हूँ। यहाँ ऐड कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं एंड नाउ यहाँ हम एक इमेज प्लेस करते हैं। हम यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं देन यहाँ पे काफ़ी कूल लग रहा है। इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम सर्कल ले लेते हैं एंड यहाँ पे प्लेस करते हैं ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर देते हैं इसको एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं। इसको कलर चेंज कर देते हैं इसका और यहाँ पे इस सर्कल को एडजस्ट कर लेते हैं। ये आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगता है। देन हम थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको और ऐड कर लेते हैं। देन इस सर्कल को भी हम येलो कलर दे देंगे। डुप्लीकेट करके हम इसको एक और इस तरह साइज दे देंगे जिससे हमें थोड़ा सा लुक डिफरेंट लगे। तो ये हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। देन आप इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये आपके क्रिएशन के ऊपर है कि आप इसको किस तरह अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी आप इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। यहाँ हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं देन इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा अप कर देते हैं। तो यहाँ ठीक लग रहा है इसको, तो अब काफ़ी कूल लग रहा है। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं साइज इसका, तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। और यहाँ हमें एक बटन ऐड कर लेते हैं जो कि हमने पहले ही बटन एक ऐड किया है, इसको डायरेक्ट हम कॉपी कर लेते हैं, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ कॉपी करके एंड इसको यहाँ पे
नाम चेंज कर लेते हैं रीड मोर, इसको सेलेक्ट करके हम इसको अलाइनमेंट दे देते हैं, उसे काफ़ी कूल लग रहा है। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लें, थोड़ा सा स्पेस इसके दरमियान का थोड़ा सा स्पेस दे दें ताकि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से अटैच ना हो। इसको भी हम थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, लाइक दिस। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ दिस कोर्स, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।